तो सुगत साक सिंहनाथो जातक खने सपद सात संक मित्रा यश मुद्रई गिरावर लुम्बनी मही तत्यान चेत्यं महं सिरसा नमामि नमन करूं मैं बुद्ध को कैसे करुणागार दुख मिटावन पथि दिया सुखी करन संसार याद करूं जब बुद्धि की सुकरुणाय मिति अपार तन मन पुलकित हो उठे चित छाए आभार कि अरहत दया कर दो पंचशील हमें दे दो तुमरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे
लगाया था। जिनका नारी ने जब दोषी लगाया था, पंचशील का उसको बोध कराया था। समस्त श्रोता बंधु, आज आप सभी के बीच में ये कथा जो हम देने जा रहे हैं भगवान बुद्ध के चरित्र से। एक प्रकृति नाम की लड़की को भगवान बुद्ध ने बताया ये मानव शरीर 32 गंदियों का ढेर है, कैसे और इस कैसे को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू कैसेट कंपनी रेमजा घरोर मैनपुरी के सौजन्य से, जिनका संपर्क सूत्र है 9897359513। और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं पंकज बड़ा गांव वाले। तो आइए सुनते हैं श्रावस्ती का जिक्र। भगवान बुद्ध के जीवन में बार बार आता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध ज्ञान को प्राप्त किया है बोध गया में, और लगातार 45 वर्ष तक इस धरा पर धम्म प्रचार किया, और उन 45 वर्षों के वर्षावास 26 बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बिताए, इसलिए श्रावस्ती से अधिक कथाएं सुनेंगे। श्रावस्ती के पास में एक छोटा सा नगर है जिस नगर का नाम है गोपुर नगर, और उसी गोपुर नगर की एक कथा है। सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं, और प्रकृति नाम की भिक्षुणी की मैं कथा तुम्हें समझाऊं, कथा बतलाऊं दादा बतलाऊं मित्र बतलाऊं बिरन समझाऊं, और प्रकृति नाम की भिक्षुणी निरंजन नाम के गृहपति रहते हैं मेरे बंधुओं। वो एक व्रत रहते हैं, क्या नियम है उनका, व्रत का अर्थ है नियम। अरे गोपुर एक नगर कहा रे, अरे गोपुर एक नगर कहा रे,
प्रत्येक दिन अपने दरवाजे पर एक साधु को भोजन दान देते हैं। मेरे धर्म प्रेमियों, तेरी काया है अनमोल काली मेरे बंधुओं, निरंजन गृहपति अपने दरवाजे पर प्रत्येक दिन एक साधु को भोजन दान देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कोई भिक्षु उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। बड़े परेशान हैं, जेठवन की तरफ देखते हैं कोई साधु आ जाए। जब कोई नजर नहीं आया तो निरंजन जेठवन में पहुंचे, भगवान बुद्ध को जाकर के नमन किया है और उनसे विनती करने लगे, हे करुणा के सागर, मेरा व्रत खंडित हो रहा है, आज कोई भिक्षु नहीं पहुंचा मेरे दरवाजे पर। तो भगवान बुद्ध के शिष्य तो हजारों थे, लेकिन सब में प्रिय शिष्य थे भिक्षु आनंद को इशारा किया, जाओ तुम निरंजन का व्रत पूर्ण करो। भिक्षु आनंद निरंजन के साथ में ही गोपुर नगर में आते हैं। मेरे बंधुओं, और महीना कौन सा? मई जून वाला, यानी जेठ का महीना। निरंजन ने प्रेम से भोजन दान दिया। भोजन दान देने के बाद भिक्षु आनंद ने कुछ धर्म उपदेश भी किए और इसके बाद चल दिया। जब तक वापस हुए तो ठीक दोपहर का समय हो गया, यानी 12 बज चुके थे। कुछ आगे बढ़े और भिक्षुओं का एक सील है, विकाल भोजन बेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, यानी 24 घंटे में एक बार खाना, वो भी दिन में 12 बजे से पहले। और जो एक बार खाएगा कुछ ज्यादा खाए, ज्यादा खाना खाए गए, थोड़ी देर चलने के बाद प्यास सताने लगी है कि भोजन पाए के आनंद जी जब बन को चले सिधाई। आनंद हैरान परेशान इधर उधर छटपटा रहे हैं जंगल में, और जेठ के महीने में पोखर तालाब इत्यादि सब सूख जाते हैं, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। कुछ आगे बढ़े हैं तो देखते हैं एक बाग हरा भरा दिखाई दिया। विचार करने लगे शायद इसी बाग में हमें पानी मिल जाएगा। जब उस बाग की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखते हैं, एक देखा सुंदर बाग, मने हर साथ की आनंद मन में, और वहां पे चल के देखूं भैया पानी मिल जाए छीने। विचार करने लगे ये बाग हरा भरा है, शायद हमें इस बाग में पानी मिल जाएगा।
जब उस बाग के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, बाग में कुआ है और कुआ पर एक लड़की खड़ी है जिसने घड़े में पानी निकाला, रस्सी को इकट्ठा किया, अपने घर जाने को तैयार है। वो लड़की तो घर जाने को तैयार है, आनंद जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं, मेरे बंधुओं ओ बेटी जरा खड़ी हो जाओ। लेकिन वो लड़की कि चल भाई पन घट पन हरिया लेके चली जा रही है। आनंद जी आवाज लगा रहे, बेटी जरा खड़ी हो जाओ। ओ पनिहारी बिटिया ठाड़ी है जा, ओ पनिहारी मिट्टी ठाड़ी है जा, और निक हमको नीर पिलाए जा, ओ बिटिया निते ठाड़ी है जा, और साधु को मरण से बचाए जा। लेकिन वो लड़की सुन नहीं रही। जब कई आवाजें लगाई हैं भिक्षु आनंद ने, तो लड़की ने विचार किया, लगता कोई चिल्ला रहा है कि आनंद की सुनी अब आज रे वो लड़की पीछे निहारी, और पीछे रही निहारा रे, एक साधु नजर में आया है तो लड़की हाथ हिलाने लगी, कहने लगी नहीं साधु मेरे भाती वो लड़की ऐसे बोली है और पानी माए पिलाए कि हमको दलित की छोरी है। साधु तुम वापस चले जाओ, अब तो प्रकृति मेरो नाम मतंगी मेरी महतारी, साधु प्रकृति मेरो नाम मतंगी मेरी महतारी। तुम वापस चले जाओ, अरे मेरा नाम प्रकृति है, मेरी मैया का नाम मतंगी है और मैं दलित जात की हूं। भिक्षु आनंद पास में पहुंचे, बेटी अरे प्यास का संबंध पानी से है, जात से नहीं, हमें पानी पिला दे। एक साधु के प्राण चले जाएंगे। वो लड़की कहने लगी नहीं साधु, अरे हमारी छांव से लोग घृणा करते हैं, तुम कहते हो पानी पिला दे। आनंद जी कहने लगे बेटी अरे एक साधु मर जाएगा,
हमें पानी हमें पानी पिलाए दे, पनिक पनिक खाली हमें पानी पिलाए दे। लड़की बोली नहीं साधु, तुम्हें पानी ना पिलाऊं, सुन तपिधारी तुम्हें पानी ना पिलाऊं। नहीं साधु, भिक्षु आनंद कहने लगे बेटी पिला दे। लड़की बोली साधु तुम्हें मालूम नहीं, हम हैं तलती ताती की छोरी, हम हैं तलती ताती की छोरी, धर्म बिगड़ जाए वो सुन तपुधारी, धर्म बिगड़ जाए वो सुन तपुधारी। आनंद बोले बेटी शायद तुझे मालूम नहीं, मानव जात में जाति नहीं है, ए मानव जात में जाति नहीं है। बेटी मानवों में कोई जात नहीं होती है, बाबरी काय हुई गई सुन तब है बेटी। एक साधु मर जाएगा, कुछ और आगे बढ़े हैं तो वो लड़की घबराने लगी, कहे मन में विचार करने लगी शायद ये जबरदस्ती मेरा घड़ा पकड़ना चाहता है। लड़की कहने लगी साधु दूर से बात करो। आनंद जी कहते बेटी पानी पिला दे। लड़की बोली साधु दूर से बात कीजिए कि डोंट टच माई डोंट टच माई गगरिया ओ बैरतिया, डोंट टच माई शायद तुम्हें पता नहीं, आई एम द सूत्र लेडी गोपुर गांव की, आई एम द सूत्र लेडी गोपुर गांव की, यू आर द वेरी ग्रेट बैरगिया। साधु अरे मैं तो दलित जात की लड़की हूं गोपुर नगर की, और आप एक महान बैरागी, यू आर द वेरी ग्रेट बैरगिया, डोंट टच माई डोंट टच माई गलरिया बैरगिया। बैरगिया हाँ बैरगिया, डोंट टच माई डोंट टच माई गलरिया बैरगिया, डोंट टच माई। लड़की कहने लगी साधु दूर से बात करो। भिक्षु आनंद समझाने लगे बेटी अरे क्यों बावली हो रही है, जात जानवरों में हुआ करती है, हाथी घोड़ा बैल बकरिया मेड़ा इत्यादि जातियां, मानवों में कोई जाति नहीं, और तुझे विश्वास नहीं होता तो देख ले अजवाइस कर ले, एक खेत को जुतवा उसमें पटेला लगवा दे, अधिक जात वाले पुरुषों को छोड़ दे, किसी विद्वान आदमी से पूछो कि कौन से जात वाले का पैर है, और फिर बाद में जानवरों को छोड़ दे हाथी बैल घोड़ा इत्यादि जानवरों को, और कहो पागल से पूछो बताओ हाथी का पैर कौन है ऊंट का पैर कौन है, बता देगा ना? हाँ बता देगा। आप पानी पिलाएगी? कहने लगी आप अगर ऐसा मानते हैं तो पिला देंगे। बड़ी खुश हो गई, जब भिक्षु आनंद ने समझाया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, पानी पिलाने लगी। अब कुआ को पानी घड़ा भरो, जेठ के महीना सुन प्रिय बोल प्रकृत हरे सानी,
भर जल पात्र पिलाए रही भैया पानी। ज्यादा पानी पी गए भिक्षुआ, अगर आप ज्यादा खाना खा लेंगे ज्यादा पानी पी लेंगे तो पेट में दर्द सा होने लगता है। विचार करने लगे चेत बल तो दूर है और हमें करना क्या है, दोपहर में क्यों ना इसी बाग में ठहरा जाए, कुछ आराम कर लिया जाए। आगे बढ़ गए भिक्षु आनंद, एक छावदार वृक्ष के नीचे संघाटी निकाली, जो बहुत वृक्ष बिछाते हैं उसे संघाटी कहते हैं। लेट गए, जाए पेड़ से टेकर लगाई रे लगाई रे पर लगाई, लेट गए आनंद जी ज्ञानी। भिक्षु आनंद तो आराम करने लगे, अब वो लड़की कुआं पर खड़ी है, विचार करने लगी साधु कितने नीक है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, कितना सुंदर चेहरा, चौड़ो माथो, कितनी सुंदर नाक, घड़ा रख दिया है उस लड़की ने और भिक्षु आनंद को खोजने लगी है। मेरे बंधुओं, यदि वही लड़की है जो पहले पानी नहीं पिला रही, और जब भिक्षु आनंद ने समझा के पानी पी लिया तब उसके विचार परिवर्तित हो गए कि धन तो बही रहता, गुड्डू धन तो बही रहता पर धंधे बदल जाते, धन तो बही रहता डाला होरी लाल, धन तो बही पुलिस वाले वही रहते, पुलिस वाले वही रहते, हट कंडे बदल जाते, पुलिस वाले वही रहते। इंसान वही रहते लेकिन विचार बदल जाते, इंसान वही आज वो लड़की कुआं पर घड़ा रख दिया, विचार करने लगी साधु किधर चले गए, कहां चले गए, थोड़ी देर के लिए अगर मिल जाते तो कुछ बात कर लेती। कि वो लड़की मन में करे विचार, जाने कित गए आनंद, घड़ा रख दिया और बाग में चक्कर लगाने लगी है। सोची समझ के बढ़ी अगारी, आगे बाग में निगाह पसारी, लेटे मिल गए ज्ञान प्रकाश, जाने कित गए आनंद ज्ञानी। आनंद के पास पहुंची, पैरों के पास खड़ी हो गई, टकटकी लगा के निहारने लगी है। भिक्षु आनंद अर्ध नेत्र बंद किए लेते हैं,
कुछ आहट मिला, उठ के बैठ गए। बेटी अरे यहां क्या कर रही, जा अपने घर, तेरे माता पिता इंतजार कर रहे हुए। कहने लगी माता पिता नहीं, क्या हाँ पिता नहीं है माँ है, तो जा तेरी मैया इंतजार कर रही होगी। कहने लगी नहीं साधु नहीं जाऊंगा। क्यों? कि तब आनंद ने कही बात है सही, घर है तुम जाबो, तेरे मात पिता हुए प्यासे बिटिया जाके नीर पिलाओ, तेरे मात पिता हुए ए जाके नीर पिलाओ, मेरी लाड़ो जाके नीर पिलाओ, तेरे मात पिता हुए प्यासे बेटी जाके नीर पिलाओ। साधु तब प्रकट गई मुस्काए, वो लड़की मुस्कराने लगी। कहने लगी साधु घर भेजना चाहते हो? तब प्रकट गई मुस्काए, तुम्हें समझाए तुम्हें बतलाऊं, ए साधु मन तुमसे मेरो लग गो है घर है अब कैसे जाऊं, मन तुमसे मेरो। साधु अरे मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। अरे अब कह रही प्रकृति नारी, साथ चलना चाहती हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। ये क्या कह रही है? एक साधु से तेरी अब इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, हम बाल बैरागी हैं। भिक्षु आनंद बाल बैरागी थे, ये भगवान बुद्ध के एक शिष्य की कथा है। वो लड़की साथ जाने के लिए उद्यत है, भिक्षु आनंद समझा रहे बेटी शायद तुझे पता नहीं, अरे मैंने धम्म की साधना के लिए सब कुछ त्याग दिया है और ये संकल्प किया है कि सारी उम्र विवाह नहीं करूंगा, कि मैंने धर्म की चाहत खातिर, भिक्षु आनंद बोले मैंने धर्म की चाहत खातिर कसम उठाई, आलाए पियन मैरिड हैप्पी आवर, पियन मैरिड हैप्पी आवर। साधना के लिए सौगंध खाई है सारी उम्र विवाह नहीं करूंगा और तू अपने घर जा प्रसन्न रहे। मैंने धर्म की चाहत खातिर कसम उठाई, याल लाए पियन मैरे हैप्पी हाउ आर यू, पियन मैरे हैप्पी हाउ आर यू। जाने घर, कहने लगी नहीं साधु नहीं जाऊंगी, तो तू नहीं जा रही तो हम जा रहे हैं। भिक्षु आनंद ने झोला उठाया और चलने लगे। लड़की कहने लगी जा रहे हो? जाओ चले जाओ, कि बाह छुड़ाए जाते हो निबल जान के मोए, हमसे जब बच पाओगे तब देखूंगी तो। जाओ चले जाओ, लेकिन भिक्षु आनंद ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे आनंद वहां से धाए, अरे आनंद वहां से धाए और चल के जचे तू बन आए,
भिक्षु आनंद तो सीधे जेतवन में पहुंचे। वो लड़की तब तक खड़ी रही जब तक आनंद दिखाई देते रहे, और जब आंखों से ओझल हो गए तो उदास हो गई। कुआं पर वापस आई, घड़ा उठाया है, अपने घर जाने लगी है। मेरे बंधुओं, आज चली बिटरिया है जब घर को, भैया सुनियो ध्यान लगा, आए घड़ा सी सपे जाने रख लो, नहीं है घर की शुद्ध लगाए, और भगत जावे लमपत जावे दुनिया में, नहीं कछु लगाई को, और भाग करके लेट गई। माँ कहती है घड़ा क्यों तोड़ दिया? कुछ नहीं है, है। उसी माँ से चिल्लाई है जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस के तैयार किया है, लेकिन माँ माँ होती है। थोड़ी देर के बाद पहुंच गई बेटी, चलो खाना खाओ। नहीं नहीं खाना है, खाना भी नहीं खा रहे कि खाना दिनो छोड़ सुनो चितलाई। खाना दीनो छोड़ सुनो चितलाई, आनंद जी की चिंता जाते दिल में गई शमाई, महाराज की चिंता दिल में बस गई है, ए मेरे दादा की चिंता दिल में बस गई है, और चिंता के अब कारण बिटिया खाना सज गई है। खाना भी नहीं खा रही है। थोड़ी देर में फिर मां पहुंच गई, सर के पास बैठ गई, सर सहलाने लगी, बेटी आखिर में बात क्या है, क्यों इतनी नाराज है? तो बोली, अम्मा अगर तुम नाराज ना हो तो बताओ। मां बोली, अरे तू 18 साल की हो गई कबू नाराज भाई, अब क्यों होंगे? कि नहीं मैया वो ऐसी बात नहीं है, अरे बता, नहीं नाराज होंगे, नहीं हो, नहीं होंगे। तो कहने लगी, मैया हम बाग में पानी लेने गए, हाँ वो तो मैंने भेजा। अरे आपने भेजा था, वहां हमें एक साधु मिले, कितनी पागल है। अरे वो जेतवन में साधु रहते हैं, उधर आते जाते रहते हैं। नाई मैया भी साधु बहुत नीके लगते, अरे उनका मुखार बिंदु बहुत तेज था, माँ बहुत सुंदर थे। मैया समझाने लगी, बेटी अरे साधु जो बाल वैरागी है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके मुखार बिंदु पर तेज होगा। बोली, नाई मैया भी हमें बहुत अच्छे लगे,
और हम उनके साथ में विवाह करना। ए लड़की एक साधु से विवाह करेगी, बता रही है बाल वैरागी है। हाँ मैया, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक है, नाम है भिक्षु आनंद। माँ कहने लगी, बेटी वो कभी साधु शादी के लिए तैयार नहीं होगा। कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए माँ, अगर शादी मेरी होगी तो उसी साधु से, और नहीं तो तेरी ये बेटी नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे। हाय हाय बूढ़ी मैया, परेशानी में डाल दिया लड़की ने। कहने लगी, माँ तू कुछ जुगाड़ कर, और नहीं तो तेरी बेटी नहीं। मैया कहने लगी, ठीक है तू शांत रह, हम उपाय करेंगे। मैया मतंगी को ये पता था, अगर भिक्षुओं को कोई निमंत्रण कर दे तो घर में आ जाते हैं, और नहीं तो भिक्षु मांग कर खाते हैं। इस विचार से मैया मतंगी जेत बन के लिए चली। विचार किया, भगवान बुद्ध से पूछ लेंगे भिक्षु आनंद कौन है, तो आनंद का निमंत्रण कर देंगे, आनंद घर पे आ जाएंगे। जब जेतवन में पहुंची तो वहां एक साधु घूमते हुए नजर आए, उन्हीं से पूछ बैठे, साधु हमें भिक्षु आनंद कहां मिलेंगे? और वो भिक्षु आनंद ही थे। जैसे ही कहा, मैया मेरा ही नाम आनंद है, तो मतंगी मैया ने हाथ जोड़े और बोली, साधु सुनो, कितनी चालाकी की बुझा रहा, अरे हाथ जोड़े बिली ती करूं, अरे बेटा की प्रदीप, ए हाथ जोड़े बिली ती करूं, अरे सन्या की मेरी अरज करो तू भी कारी जी। चाहती हूं साधु, मेरा नाम मतंगी है और मैं गोकुल नगर की रहने वाली हूं। निमंत्रण आपको कर रही हूं बैदागी, कोई आयो हमारे द्वारी जी। निमंत्रण करने के लिए आई हूं। भिक्षु आनंद कहने लगे, ठीक है मां जाओ, समय हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। आज मैया मतंगी तो लौट पड़ी और घर आए के जैसे ही बिटिया को बताओ कि आ रहे हैं, तो प्रकृति बहुत प्रसन्न हो गई। कहने लगी, मैया तुम बैठो। उसने तुरंत भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करने के बाद भिक्षु आनंद का इंतजार करने लगी है। ऊंची से खड़ी हो गई अटाते, और जब दूर से भिक्षु आनंद आते हुए दिखाई दिए तो चिल्लाने लगी, ओ मां। मैया बोली, क्या है? अरे मैया वो आ रहे, कौन? वही भिक्षु आनंद। ओ मां की आनंद आई गए, ओ मां की आनंद आई गए, मैया वो साधु आ रहे हैं। अरे मां कहने लगी, बेटी नीचे आ जा, तुझे अगर देख लिया तो रंग वापस चले जाए। लेकिन लड़की ने वह पूरी भावैया थी, बोली, मैया तू नहीं जाती, देख रहा देखो मुखरा की कांत में तो पूरे पूरे शांत, देखो मुखरा की कांत में तो पूरे पूरे शांत, और मांग मांग के आनंद आई गए, आनंद आई गए। मैं
कहती है बेटी नीचे आ जा, तुझे देखने के बाद तुरंत वापस चले जाएंगे। लड़की बोली मैया तू इनके बारे में कुछ नहीं जानती है, ये भगवान बुद्ध के शिष्य में फोटो है, भगवान बुद्ध के भाई भी है, और इन्होंने छोड़ दियो राजपाट में तो घूमे घूमे, छोड़ दियो राजपाट में तो घूमे घाट घाट, हाथ में भिक्षा पात किया नंद आई गए हो मां किया नंद आई गए हो मां किया नंद, मैया मदंगी ने जबरदस्ती प्रकृति को नीचे उतारा और छुपा दिया कमरे में। यही लेटना भिक्षु आनंद दरवाजे पर पहुंचे, आनंद ने भोजन पाया, मैया मदंगी ने बड़े आदर से भोजन दिया। भिक्षु आनंद ने भोजन प्राप्त करने के बाद कुछ धर्म उपदेश दिए। धर्म क्या है? वैसे तो सब लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में धर्म क्या है कि धर्म धर्म सब मरम न जाने कोई, जिस पथ से जिस मार्ग से शांत चित्त की शुद्धता शुद्ध धर्म है सोए, जिस पथ से मानव को शांति मिले मन को सुकून मिले और धर्म कहीं बिकता नहीं, ढोंग बनाने से मानव धर्मी नहीं होता है। धर्म कमंडल में नहीं, धर्म नहीं मृग छाल, धर्म कमंडल में नहीं, धर्म नहीं मृग छाल, धर्म न घोटम घोट में कोई, धर्म न तुलसी माले, लंबे लंबे जटारा खाने से मानव धर्मी नहीं होता है, ढोंग बनाने से धर्म नहीं होता है। जब तक धर्म को धारण ना किया जाए, धर्म जानने और मानने की चीज है। जिस तरीके से कि औषधि के गुणगान से किसकी बुझती प्यास, बिना धर्म धारण किए कटे न जीवन त्रास, दवा दवा चिल्लाने से बीमारी ठीक नहीं होती है, इस तरीके से धर्म धर्म चिल्लाने से मानव धर्मी नहीं होता है, धर्म को धारण करना होता है। इस तरीके से कुछ संक्षिप्त धर्म उपदेश दिया और भिक्षु आनंद बोले मैया हम तो चले। जब भिक्षु आनंद जाने लगे तो मतंगी मैया बोली साधु भाई एक बात सुनो। हाँ बता। हमारी